जब समुद्र किनारे हवाई जहाज हुआ क्रैश। दोस्तों, दमदार एविएशन मूवमेंट से भरी एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको समुद्र में क्रैश होते एक प्लेन के साथ साथ बम से फटते हुए प्लेन की एक ऐसी वीडियो दिखाएंगे जिसे देखकर आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बुल ऑन रनवे, ये प्लेन एक ग्रास एयर स्ट्रिप पर लैंड कर रहा था कि तभी अचानक से इसके पायलट को रनवे पर एक बैल खड़ा हुआ दिखाई दिया जो कि प्लेन की तरफ ही देख रहा था। हालांकि ये बैल प्लेन से काफी दूर था इसलिए इसकी और प्लेन की टक्कर नहीं हुई। बीच लैंडिंग, अमूमन प्लेन्स रनवे पर लैंड करते हैं पर इस C-130 प्लेन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि ये रनवे की जगह एक बीच पर लैंड कर रहा है। हालांकि इसका इस तरह बीच पर लैंड करना एक मिलिट्री एक्सरसाइज का हिस्सा है। Taxiing, एक प्लेन स्टार्ट होते ही कितनी गर्मी जनरेट करता है इसका अंदाजा आप इस इंफ्रारेड कैमरा में रिकॉर्ड हुई वीडियो से लगा सकते हैं जिसमें साफ तौर पर इंजन से आग निकलती हुई देखी जा सकती है। लो विजिबिलिटी लैंडिंग, कोहरे के बीच प्लेन उड़ाना बड़ा ही चैलेंजिंग होता है पर इस पायलट की दाद देनी होगी जो ना सिर्फ प्लेन को उड़ा रहा है बल्कि इसने कोहरे के बीच में ही प्लेन को सुरक्षित लैंडिंग भी करा दिया है। 777 इंजन एग्जॉस्ट, इस बोइंग 777 प्लेन का इंजन कितना एग्जॉस्ट जनरेट कर रहा है इसे आप इस प्लेन के सामने खड़े दूसरे प्लेन के इंफ्रारेड विजन की मदद से देख सकते हैं जो देखने में बेहद अमेजिंग लग रहा है। 1000 फीट सेपरेशन, हवा में उड़ रहे इस प्लेन की वीडियो इसके ऊपर उड़ रहे एक दूसरे प्लेन से बनाई गई है क्योंकि ये दोनों प्लेन ही एक दूसरे से महज 1000 फीट की ऊंचाई के अंतर पर उड़ान भर रहे हैं। प्लेन गोज ऑफ रनवे, ये प्लेन उस वक्त रनवे से नीचे उतर गया जब इस प्लेन के टेल व्हील की स्प्रिंग अचानक से टूट जाने की वजह से इसके स्टीयरिंग ने काम करना बंद कर दिया। हालांकि इस प्रॉब्लम से ना तो प्लेन को नुकसान हुआ और ना ही उसके पायलट को। हेलीकॉप्टर लिफ्ट्स प्लेन, इस हेलीकॉप्टर की मजबूती और इस पायलट के एक्सपीरियंस की दाद देनी होगी क्योंकि एक हेलीकॉप्टर से इस तरह एक हवाई जहाज को लिफ्ट करके दूसरी जगह ले जाना कोई आसान काम नहीं पर पायलट्स की सूझबूझ से ये काम आसानी से हो गया। फ्लोट प्लेन हिट्स ब्रिज, ये फ्लोट प्लेन ब्रिज के करीब यूं ही नहीं खड़ा बल्कि ये ब्रिज से टकरा गया है जिसकी वजह से ही इसके आगे के प्रोपेलर टूट गए हैं। जॉइंट प्लेन ब्लोज अप, दोस्तों इस बोइंग 747 प्लेन में अचानक से बहुत ही तेज ब्लास्ट हो गया जिसके बाद ये प्लेन दो हिस्सों में बट गया। हालांकि ये ब्लास्ट यूं ही नहीं हुआ बल्कि इस प्लेन में 4 टेस्ट बॉम्ब लगाए गए थे जिन्हें लगाने का मकसद ये पता करना था कि आखिर रियल बॉम्ब ब्लास्ट का इस प्लेन पर क्या इंपैक्ट होगा। लैंडिंग विदाउट लैंडिंग गियर, प्लेन की लैंडिंग के लिए उसमें लैंडिंग गियर का होना बहुत जरूरी है पर यह प्लेन बिना लैंडिंग गियर के ही लैंड करने जा रहा है जिस दौरान यह जमीन से रगड़ खाते हुए घूम भी जाता है। खैर, अच्छी बात यह है कि इस घटना में किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। हार्ड लैंडिंग, ये बड़े से विमान के साथ वैसे तो सब कुछ सही था पर जैसे ही ये लैंड करने को हुआ तब ये हल्का सा डगमगा गया जिसके बाद इसने स्मूथ लैंडिंग की जगह बेहद हार्ड लैंडिंग की जिसे देख एयरपोर्ट पर मौजूद हर कोई डर गया। लैंडिंग विदाउट नोज गियर, इस प्लेन की लैंडिंग उस समय कठिन हो गई जब पायलट को इसे बिना नोज गियर के सिर्फ लैंडिंग गियर से ही लैंड कराना पड़ा। शुरुआत में तो पायलट इसका संतुलन बनाकर चलता रहा पर आखिर में वो इसे लैंड ना करा सका जिसके बाद इसका आगे का हिस्सा जमीन से रगड़ गया। प्लेन कैचेस फायर, फ्लोरिडा के एक एयरपोर्ट पर रखा यह प्लेन जब रनवे पर टैक्सिंग कर रहा था तब उसी दौरान फ्यूल लीक की वजह से अचानक इसमें आग लग गई जिसके बाद जल्द ही इस प्लेन को आनन फानन में खाली कराया गया और किस्मत से इसमें बैठे सभी यात्री समय रहते सही सलामत बाहर आ गए। लो पास, हवा में तेजी से उड़ते इस प्लेन को नीचे आते देख आप सोच रहे होंगे कि शायद ये प्लेन लैंडिंग करने जा रहा है।
हालांकि ये सच नहीं, क्योंकि ये लैंडिंग नहीं कर रहा, बल्कि ये तो पास बनी एयर स्ट्रिप के बहुत ही करीब से उड़ान भरते हुए फिर से एलिवेशन हासिल कर लेता है। एयर शो स्टंट। एक एयर शो में स्टंट परफॉर्म कर रहे ये दोनों हवाई जहाज जब लैंडिंग करने वाले होते हैं, तब अचानक ही ये एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि लैंडिंग के दौरान इनकी टक्कर संभव थी, जिसे देख एक हवाई जहाज का पायलट अपनी लैंडिंग अबॉर्ट करके फिर से हवा में उड़ जाता है। मॉन्की। ये पायलट सच में एक बहुत बड़ा एनिमल लवर लगता है, और शायद तभी ये प्लेन उड़ाते हुए भी अपने साथ अपने पेट मॉन्की को लिए हुए है। इतना ही नहीं, ये मॉन्की के बच्चे को अपनी गोद में रखकर ही प्लेन को सही सलामत लैंड करा देता है, जो सच में तारीफ के काबिल है। प्लेन नियरली हिट्स बर्ड। हंसते हुए प्लेन उड़ा रहे इन दोनों पायलट्स को उस वक्त दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है जब इनके प्लेन के सामने से आ रहा यह पक्षी इस प्लेन से टकरा जाता है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि यह पक्षी प्लेन के इंजन के बिल्कुल करीब से गुजर गया, जिसके चलते एक बड़ा हादसा टल गया। बाउंसी लैंडिंग। वैसे तो प्लेन बहुत ही स्थिर अवस्था में लैंडिंग करते हैं, पर इस प्लेन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस प्लेन के पायलट्स इसकी सिंपल सी लैंडिंग को भी एक बाउंसी लैंडिंग में तब्दील कर देते हैं, जो देखने लायक होती है। दोस्तों, इस प्लेन को अचानक ही फ्लोरिडा के एक बीच के बिल्कुल बगल के समुद्र में इसलिए लैंड कराना पड़ा क्योंकि उड़ान भरने के दौरान इसका इंजन फेल हो गया था। खैर, अच्छी बात यह है कि यह प्लेन बड़े ही आराम से समुद्र के अंदर लैंड कर जाता है, और इस इमरजेंसी लैंडिंग में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती, साथ ही पायलट भी सही सलामत बाहर निकल आता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।